एनिमल किंगडम में जंगली जानवरों की कोई कमी नहीं है। आप यहाँ एक जंगली जानवर को ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपका सामना सैकड़ों जानवरों से हो जाएगा, लेकिन हम आज सभी जंगली जानवरों नहीं बल्कि केवल उन जानवरों के ही बारे में बात करने वाले हैं जो शिकारी हैं। जंगल में रहने वाले ये शिकारी जानवर इतने खतरनाक हैं कि पल भर में ही अपने शिकार को भी अंजाम दे देते हैं। वैसे आमतौर पर इन जानवरों के शिकार जंगल के छोटे से लेकर बड़े और कमजोर जानवर बनते रहते हैं, लेकिन इस बीच कुछ मौके ऐसे भी आ जाते हैं जब ये शिकारी जानवर आपस में ही भिड़ जाते हैं। ऐसे में इनकी लड़ाई का अंजाम क्या होता है, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और देखिए ये खास वीडियो। लायनेस वर्सेस वाइल्ड डॉग्स। जंगल के खतरनाक जानवरों में सबसे ऊपर शेर का नाम आना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वो शिकारी है जिसके सामने आने से भी दूसरे जानवर खौफ खाते हैं। मगर कभी कभी जंगल में ऐसा मौका भी आ जाता है जब कोई और शिकारी भी इनसे भिड़ने से पीछे नहीं हटता। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक शेरनी को जंगली कुत्तों के बड़े झुंड ने मिलकर घेरा हुआ है। वे शेरनी को हर तरफ से परेशान कर रहे हैं और लगातार उस पर हमले करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि शेरनी भी इन्हें पीछे हटाने के लिए दहाड़ रही है, लेकिन कुत्तों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें इसका कोई खास डर ही नहीं है। इस बीच शेरनी एक कुत्ते पर हमला भी कर देती है, मगर तभी सभी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं और उसे अपने शिकार को छोड़ना पड़ता है। इस दोनों शिकारियों के बीच काफी देर ये गहमा गहमी ऐसी ही चलती रहती है और आखिर में शेरनी एक जगह बैठ जाती है, जबकि कुत्ते उसे दूरी बनाना ही सही समझते हैं। लगता है जंगली कुत्तों की शेरनियों से कोई पुरानी दुश्मनी है, इसलिए तो इन्हें जहाँ भी शेरनी दिखती है ये उस पर हमला करने लगते हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जंगल में कुछ कुत्तों ने पानी पर कब्जा किया हुआ है और इनके सामने से एक शेरनी पानी की तरफ ही आ रही है। ये कुत्ते उसे देखते ही सतर्क हो जाते हैं और उसे घेरना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो ये शेरनी भी उनके बीच खामोश खड़ी हो जाती है, लेकिन जब कुत्ते उसके आसपास घूमना बंद नहीं करते तो वो एक कुत्ते को अपने जबड़े में भर लेती है। उसके इस हमले से एक पल के लिए वे सभी चौंक जाते हैं, लेकिन भागने की बजाय वे शेरनी पर ही हमला करने लग जाते हैं। अब शेरनी भी उस कुत्ते को छोड़ देती है और बाकी कुत्तों को भगाने लगती है। इधर कुत्ते उसे वहाँ से भगाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार शेरनी पानी में जाकर खड़ी हो जाती है। इस बीच कुत्तों को भी समझ आ जाता है कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी और वे भी दूर हट जाते हैं। हायना वर्सेस चीता। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक चीता अपने बच्चों के साथ शिकार पर निकली हुई है। इस दौरान उसकी नजरें इम्पाला के एक बड़े झुंड पर पड़ती है। वो अपने बच्चों को एक जगह रुकने के लिए कहती है और अब खुद इम्पाला की तरफ बढ़ जाती है। इधर इम्पाला भी इस शिकारी को अपनी तरफ आते देख वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन चीता की रफ्तार से भला कौन जीत पाया है। चीता जल्दी ही एक इम्पाला को अपना शिकार बना लेती है और उसके गले को अपने जबड़े से पकड़ कर बैठ जाती है। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है एक हायना की, जो चीता को देखते ही उसके पास पहुँच जाता है। चीता उसे देख तुरंत ही उठ जाती है और गुर्राती भी है, लेकिन हायना का खूंखार रूप देख वो भी समझ जाती है कि इससे लड़ना उसके लिए सही नहीं होगा और वो भी इस जगह से भाग निकलती है। उसके जाते ही हायना इम्पाला पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में उसकी जान निकाल देता है। वाइल्ड डॉग्स वर्सेस हायना। जंगल में हायना का खौफ तो बहुत है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो इसे पंगा लेने से भी पीछे नहीं हटते। जैसे आप इन जंगली कुत्तों को ही देख लीजिए, अपने शिकार को बचाने के लिए यहाँ कुछ जंगली कुत्तों ने सीधे हायना से ही पंगा ले लिया है। ये हायना शायद यहाँ इन कुत्तों के शिकार पर कब्जा करने आए थे, लेकिन अब इन कुत्तों ने मिलकर इनकी ही क्लास लगा दी है। सभी जंगली कुत्ते मिलकर इन दोनों ही हायना पर टूट पड़े हैं। हालांकि हायना भी इन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जंगली कुत्ते पीछे हटने की बजाय उन पर ही आफत बनकर बरस पड़े हैं। कुछ देर में एक हायना तो इनसे परेशान होकर वहां से भाग निकलता है, मगर दूसरा हायना अब भी इस कोशिश में है कि ये शिकार उसे मिल जाए। लेकिन लगता है कि जंगली कुत्ते आज कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि जब भी हायना उनके शिकार की तरफ बढ़ता है तो कुत्ते उस पर चारों तरफ से हमला बोल देते हैं। इस बीच हायना को भी शायद ये बात समझ आ जाती है कि उसकी यहाँ नहीं चलने वाली है और वो भी यहाँ से रफू चक्कर होने लगता है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन कुत्तों ने इस हायना को ये एहसास तो करवा ही दिया होगा कि आज उसे अपनी टक्कर का जानवर मिला है।